सो हे फ्रेंड्स, ये देखो आज मैंने क्या बनाया है ना, ये सुपर क्यूट और एकदम छोटू सा प्यारा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली मेरे हाथ में ये वायरल नैनो टेप आ गई है। सो गाइज, इंटरनेट पे इतने सारे लोग इस पे वीडियोस बना चुके हैं, तो जब तक मैं इसको इस्तेमाल ना करती मुझे तो सुकून नहीं आना था। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉ के ऊपर मैंने टेप को लगा लिया है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से फिल्म रिमूव कर देनी है और अब बारी आती है इसको थोड़ा सा हीट करने की। अगर आप इसको गर्म नहीं ना करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें इसको आप ब्लो नहीं कर सकेंगे। सो अब हम अपने फेफड़ों में हवा भरेंगे और इस बॉल को ब्लो करेंगे और रेडी हो जाएगा ये क्यूट सा बॉल। अब इसको डेकोरेट कर देंगे जिससे ये और भी ज़्यादा सुपर क्यूट लगेगा। इसकी ना पिंक पिंक चीक्स बनाने का मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, मैंने वो भी बना दी हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हे फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है पेंटिंग विदाउट पेंटिंग पेपर। तो यहाँ मैं कुछ ईंटें उठा के लाई हूँ छत से, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है ताकि सारी डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस टूटे हुए टुकड़े पे ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, पूरा एक दिन सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस टुकड़े के ऊपर एक बबल ड्रॉ करूँगी। तो मैंने बॉटल कैप के ऊपर हल्का हल्का वाइट पेंट लगा के एक स्टैम्प बना दी है बबल की, और अब मैं एक कॉटन बड के साथ तमाम कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर दो रेक्टेंगल्स बनाऊँगी और इसको ऑरेंज और ब्लू कलर के साथ फिल कर दूँगी। तो अब मैं कॉर्नर्स के ऊपर रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स के साथ ब्लेंडिंग करूँगी, और अब आप कोई भी रैंडम कलर्स लेके आउटलाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हाईलाइट और स्पार्कल ऐड कर दिया है। यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पेपर के बगैर मैं किसी भी चीज़ पे इतना खूबसूरत बबल ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सो हे गाइस, आज का न्यू चैलेंज है ड्रॉ विद रियल मेहंदी। तो आज हमें मेहंदी को यूज़ करके ड्राइंग करना है। तो अब हम मेहंदी में पानी मिला के काफ़ी सारी शेड्स तैयार कर लेंगे। सबसे लाइट शेड के लिए मैंने इसमें खूब सारा पानी मिला दिया है। बेस बनाने के लिए मैं यहाँ लाइटर टोन का इस्तेमाल करूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्कर टोन्स को यूज़ करते जाएंगे और लेयर्स बनाते जाएंगे। तो गाइस, मैंने मेहंदी के साथ सिंपल सा ट्री बनाया है, काफ़ी जंगल वाली लुक आ रही है, थोड़ी सी डिटेलिंग्स कर दी हैं और यहाँ अब मैं एक डियर बना दूंगी। यार, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम मेहंदी को यूज़ करके इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। सो आई होप कि इतनी अच्छी ड्राइंग के बाद एक लाइक तो बनता है। तो हे फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है कि जिनके पास कलर्स और ब्रशेस ना हो तो वो किस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कलरफुल कैंडीज ली हैं और इनको मैं सेपरेट कर दूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पिगमेंट निकाल लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास 5 कलर्स आए हैं और आज हमें इन्हें यूज़ करके एक ड्राइंग बनाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेकअप वाले ब्रश का इस्तेमाल किया है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, ये इतने ब्राइट पिगमेंट्स बने हैं, तो देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से तमाम शेड्स को मर्ज कर दिया है। तो अब एक ब्लैक मार्कर की मदद से मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ अब हम एक छोटा सा हट ड्रॉ करने वाले हैं। सो गाइस, आपको कलरफुल कैंडीज़ के साथ ड्राइंग बनाने का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइंस पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स बना देंगे और अब एक सिंपल हाइलाइटर के साथ बल्ब बना देंगे। सो यहाँ मैंने ब्रश को हल्का सा गीला किया और उस पर ब्लैक कलर लगा के ट्री और ग्रास का शेडो बनाया है। तो आज की पेंटिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो हे फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है मेक अ ड्राइंग विद वाटर बॉल्स। तो आज हमें वाटर बॉल्स का यूज़ करके एक ड्राइंग बनाना है। सो यार, आप यकीन नहीं करोगे, ये क्यूट से वाटर बॉल्स मैंने घर पे बनाए हैं। 1 रुपये का एक बलून है और 3-4 मैंने बलून्स लिए हैं, उसके अंदर ऑर्बिट्स डाल के उनको अच्छी तरह से क्रश कर दिया है। इतना ज़्यादा क्रश किया है कि इसके छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं और ये देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने कलरफुल हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी वाइट कलर का पेंट और ये रहा एक टूथब्रश। सो गाइज, आज की पेंटिंग सुपर इजी है, जिनके पास ब्रशेस भी नहीं है वो इस टूथब्रश को यूज़ करके एक सिंपल सी और एस्थेटिक पेंटिंग बना सकते हैं। शीट पे अच्छी तरह से पेंट अप्लाई करने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे क्रश किए हुए ऑर्बिट्स डाल दूंगी जिनको मैंने वाइट कलर के साथ मिक्स कर लिया था। तो अब बारी आई कुछ मैजिक की। टाटा। सो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी पेंटिंग कितनी क्यूट सी लग रही है। अब इसको एक अच्छी सी लुक देने के लिए इस पर मैंने एक छोटा सा मून ड्रॉ कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है ड्रॉ विद हल्दी पाउडर। तो आज हमें हल्दी पाउडर को यूज़ करके एक ड्राइंग बनाना है। तो अब मैं यहाँ हल्दी पाउडर से 2-3 शेड्स तैयार कर लूँगी।
सो फ्रेंड्स, आज का चैलेंज ना बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी अगर कोई पेंट अवेलेबल ना हो तो किचन में जाओ, हल्दी उठाओ और आके एक खूबसूरत सी ड्राइंग कर दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शीट को पूरा येलो कोट कर दिया और जहाँ जहाँ हमें डार्कर एरियाज चाहिए होंगे वहाँ हम लेयर्स बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो शीट पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो जैसे ही पेपर ड्राई होगा ना, ब्रश की मदद से सारे पार्टिकल्स को हम हटा देंगे। और अब बारी है थर्ड और लास्ट कोटिंग की। सो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपनी पेंटिंग को एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है, जिससे मैं काफ़ी सारी डिटेलिंग करूँगी और इससे हमारी पेंटिंग में और भी अच्छी लुक आएगी। यार, मैंने हल्दी के साथ फर्स्ट टाइम कोई पेंटिंग बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो हे फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू चैलेंज है मेक अ ड्राइंग विद नाइफ। तो आज हमें नाइफ को यूज़ करके एक ड्राइंग बनाना है। तो यहाँ मैंने एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ किया है और सबसे पहले मैं ब्रशेस के साथ तमाम कलर्स को शीट के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। यार, अगर आपको ब्रश के साथ कलर ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप स्पंज के साथ कलर ब्लेंडिंग कर लिया करें। यकीन माने, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अब मैं नाइफ के साथ छोटे छोटे माउंटेन्स बनाना शुरू करूँगी और कुछ एरिया को हम लाइटर शेड्स के साथ हाईलाइट कर देंगे। तो जैसे कि माउंटेन्स ऊपर हैं, वैसे कि हम नीचे ड्रॉ कर देंगे ताकि इसका रिफ्लेक्शन आ जाए। सेंटर वाले पार्ट में थोड़ा ब्लैकिश कलर ऐड करेंगे और अब मैं एक कार्डबोर्ड की मदद से थोड़ा वाटर का इफेक्ट देने वाली हूँ। यार, आई कांट इमेजिन कि मैंने नाइफ के साथ इतने क्यूट से माउंटेन्स बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यार, नाइफ के साथ अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। सो हे फ्रेंड्स, आज हम ये छोटा सा सुपर क्यूट मैजिक कार्ड बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए ना आपको सबसे पहले किसी भी साइज़ का पेज ले लेना है और इसको अपने मन चाहे स्टाइल में डेकोरेट कर देना है। और इसके सेंटर में ना एक क्यूट सा हार्ट ड्रॉ कर लेना है। अब इसके ऊपर एक प्यारा सा मैसेज लिखेंगे, हार्ट को सेंटर से कट कर देंगे और आपको दो सेम साइज़ के पेपर कट कर लेने हैं और अब इसको स्कॉच टेप के साथ पेपर के कॉर्नर्स पे पेस्ट कर देंगे। सिर्फ एक साइड को पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हार्ट को कलरफुल कर देंगे और ये देखिए, मैजिक। वाओ! तो आज की पेंटिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।